Hey guys, subscribe my channel and press the bell icon for the latest videos. रहो टेक सबसे पहले. So hey guys, आज हम देखने वाले हैं कि एक इंटरव्यू क्वेश्चन कि जो ट्यूबलाइट है वो टाइम क्यों लेती है ग्लो करने में. तो पहले हम ट्यूबलाइट के बारे में थोड़ा बेसिक चीजें देख लेंगे. जो हमारी ट्यूबलाइट होती है उसको हम रोड और फ्लूरेसेंट लैम्प भी कहते हैं. हमारे ट्यूबलाइट के चार पॉइंट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं चार पॉइंट होते हैं और ये अंदर एक दूसरे से शॉर्ट रहते हैं. और जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ट्यूबलाइट की डेफिनेशन भी आपसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ट्यूबलाइट की डेफिनेशन क्या होती है. ट्यूबलाइट की डेफिनेशन आप सिंपली बता सकते हैं कि ट्यूबलाइट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू विजिबल लाइट एनर्जी. तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो विजिबल लाइट एनर्जी में चेंज हो रही है. जैसे कि जो हमारा मोटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वैसे ही है ट्यूबलाइट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विजिबल लाइट एनर्जी में चेंज कर देती है. तो जो विजिबल लाइट एनर्जी है वो हमको कैसे मिलती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. फॉस्फोरस की कोटिंग वो हमारी ट्यूबलाइट पर की जाती है, जिससे कि हमारी जो ट्यूबलाइट एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो हमें विजिबल होती है, वो हमें दिखाई देती है और वो रोशनी पैदा करती है. तो अब मैं बताने वाला हूँ जो ट्यूबलाइट का जो सर्किट होता है वो कैसा होता है. और ट्यूबलाइट में हम पहले एक चोक यहाँ कनेक्ट कर देते हैं इस पॉइंट से, और इस पॉइंट को हम फेस देते हैं और इस पॉइंट को हम न्यूट्रल देते हैं, और यहाँ पे हम एक स्विच भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ तो हम स्विच का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे. और यहाँ ऊपर वाले पॉइंट में हम लगाते हैं एक स्टार्टर, जो स्टार्टर एक मेन काम करता है हमारी ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए. तो हम स्टार्टर को समझ लेंगे, स्टार्टर में होता क्या है. तो स्टार्टर में एक बल्ब होता है, स्टार्टर में एक हम बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बल्ब काम करता है उसमें. तो बल्ब जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ये बल्ब है जिसमें एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, एक है मूविंग कॉन्टैक्ट, जिसको हम मूविंग कॉन्टैक्ट कहेंगे. और इसे फिक्स्ड कॉन्टैक्ट कहेंगे. तो जैसा कि हमारा यहाँ से फेस यहाँ से चालू हुआ तो फेस यहाँ पे पहुंचा और फेस यहाँ तक पहुंच गया, इस पॉइंट तक, पॉइंट वन तक हमारा फेस पहुंच चुका है. और यहाँ से न्यूट्रल जो है पॉइंट टू तक पहुंच चुका है. तो हमारी जो वोल्ट जो हमारी ट्यूबलाइट होती है उसे हाई वोल्टेज चाहिए होती है काम करने के लिए, ग्लो करने के लिए. तो ये अभी ग्लो नहीं कर रहेगी क्योंकि हम यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं. तो 220 वोल्ट सप्लाई देने के कारण तो जो हमारा ये शॉर्ट सर्किट है यहाँ पे, जो हमारे पहले से शॉर्ट है ये दो पॉइंट, तो ये पॉइंट से यहाँ पे जो फेस है हमारा, जो हमारा फेस है वो स्टार्टर तक पहुंच जाएगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा हमारा न्यूट्रल. तो जैसे ही हमारे फेस स्टार्टर पे फेस और न्यूट्रल पहुंचेंगे तो यहाँ पे हम पॉइंट करेंगे फेस और न्यूट्रल. तो जैसे ही हमारा फेस और न्यूट्रल पहुंचेगा तो हमारा जो ये बल्ब है इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा. तो हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हमारे जो ये मूविंग कॉन्टैक्ट है और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है ये एक दूसरे के टच में आ जाएंगे. ऐसे ये टच में आएंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. शॉर्ट सर्किट होते ही आपको पता है कि जो हमारी करंट की वैल्यू है, जो हमारी करंट की वैल्यू है वो एकदम इंक्रीज करती है करंट. तो गाइस अब हम देख लेंगे जो हमारा स्टार्टर में जो बल्ब होता है उसके शॉर्ट होने के बाद क्या वर्किंग होती है. और जो हमारे स्टार्टर में बल्ब होता है उसमें गैस होती है हाइड्रोजन और हीलियम, दो गैसेस हमारे बल्ब के अंदर होती है. अब हम इसका एक जो ग्राफ है वो देख लेंगे. इसमें हम पहले देखेंगे वोल्टेज, करंट और टेम्परेचर. जैसे हमारा जो बल्ब है उसका, ये जो बल्ब है इसका टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर पहले नॉर्मल रहता है, करंट भी नॉर्मल रहता है और वोल्टेज भी जीरो रहता है. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करता है तो हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है, करंट इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही इंक्रीज होता है तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है. जैसे ही इंक्रीज करता है तो हमारा जो ये बल्ब है वो शॉर्ट हो जाता है, हमारा बल्ब शॉर्ट हो जाता है. तो बल्ब शॉर्ट होने के कारण जो हमारा करंट है वो इंक्रीज कर जाता है और जो हमारा वोल्टेज है वो डिक्रीज कर जाता है. और कुछ टाइम तक जो हमारा करंट है वो हाई रहता है, इंक्रीज रहता है,
और कुछ देर बाद ये फिर से नॉर्मल हो जाता है। इस टाइम पे जो हमारा करंट है वो जीरो चलता है, फिर एकदम से हाई वोल्टेज आता है। तो जैसे ये हाई वोल्टेज आती है तो हमारा जो हाई वोल्टेज प्रेशर यहाँ पे पड़ता है हमारी ट्यूबलाइट पर, जिससे कि हमारी ट्यूबलाइट के अंदर जो मर्क्यूरी के वेपर्स हैं और जो आर्गन या नियॉन के कंटेंट है वो एक दूसरे के बीच में एक कॉन्टैक्ट बना लेते हैं, जिस कॉन्टैक्ट के कारण हमारी जो फेस की और न्यूट्रल की यहाँ पे कॉन्टैक्ट बन जाता है, जिससे जो सप्लाई है वो कुछ इस तरह चलनी स्टार्ट हो जाती है। सप्लाई कुछ इस तरह स्टार्ट होती है और इस टाइम पर हमारी जो स्टार्टर को हम अगर हम हटा लें तो तब भी हमारा जो ट्यूबलाइट है वो ग्लो करती रहेगी। ये भी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं कि जो अगर हम स्टार्टर को हटा दें तो हमारी ट्यूबलाइट ग्लो करेगी या नहीं करेगी। तो इसका आंसर है कि हमारी ट्यूबलाइट ग्लो करेगी, क्योंकि इसमें जो हमारी एक बार जो कॉन्टैक्ट बन गया हमारी ट्यूबलाइट का तो इसका कोई अब जरूरत नहीं है, तो इसको हम हटा सकते हैं और ट्यूबलाइट ग्लो करेगी। और ऐसा जो ये जो काम है जो हमारा शॉर्ट होता है वो शॉर्ट दो तीन बार होता है, जैसा आपने ट्यूबलाइट में देखा होगा दो तीन बार शॉर्ट होता है, उसके बाद एक हाई वोल्टेज डेवलप हो जाती है जिससे हमारे जो ये कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सो थैंक यू गाइस।